तो कैसे मेरे प्यारे गढ़ में सभी लोग सोचेंगे मस्त होंगे। आज की इस मॉडल पेपर में एनसीसी बी प्रमाण पत्र के लिए आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला चुके हैं, जिसमें आप सभी को हर एक क्वेश्चन का जवाब इसमें इसी मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हो रियल मॉडल पेपर है, ठीक है, जो कि पहले 2023-24 जब OMRC टेंसर शीट पर नहीं होता था तो कुछ इस तरह का आंसर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं यही पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर हैं जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, आप लोग बस इसको सुनिए, देखिए और ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि आप सभी के एग्जाम पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग समझ के अपने हिसाब से लिख सकते हो या फिर OMR पे अपना हिसाब से ट्रिक भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप सभी को इसको जरूर पढ़ना चाहिए। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यानी कि आप सभी को टोटल यहाँ पे हर एक कैटेगरी से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चाहे वो मैप रीडिंग हो, ठीक है, या फिर आप सभी का मिलिट्री हिस्ट्री हो, वेपन ट्रेनिंग हो, आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूँ हर एक कैटेगरी की वीडियो मिलेगी, या फील्ड क्राफ्ट हो, बैटल क्राफ्ट हो, जो भी आपका मैप रीडिंग हो, जो भी है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। डिस्टेंस मेजरमेंट्स हो या फिर कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो, लीडरशिप है, सब क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आप सभी को 65 नंबर का मार्क्स मिलेगा। यानी बात करें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हर वर्ष सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे कैंडिडेट, जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग भाई, जल्दी से अपना प्यारा सा नाम कमेंट, बटालियन का नाम कमेंट कर दो, ताकि आपके बटालियन से अगर कोई भी पेपर हमको ओल्ड वाली पेपर मिलती है तो मैं आप सभी के लिए जल्दी ही बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी का पहला मॉडल पेपर, और ये मॉडल पेपर आप लोग देखते रहिए साथ में। आप लोग अपनी नोट्स तैयार कर रहे हो तो नोट्स भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है भाई, पेपर ओल्ड है थोड़ा। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं जो हमारे PI स्टाफ हैं ज्यादा कॉपी और पेस्ट ही करते हैं। ठीक है, इस साल का पेपर अगले साल निकाल दिए, उस साल का इस साल। ठीक है, तो आप लोग इसमें थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप सभी को समय कुल कितना दिया जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुल अंक 305 है शायद। ठीक है, रुक जाइए, 355 है, एंड यहाँ पे आप सभी को कुल समय 3 घंटा का मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का हिसाब नहीं, 175 क्वेश्चन आए थे OMR में। ठीक है, उसके बाद आप सभी का समय 3 घंटे का बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य, व्याख्या वाले प्रश्नों के उत्तर पीछे सामने खाली पृष्ठ पढ़ दीजिए। ठीक है, यानी कि जब आप सभी लोग OMR नहीं यूज कर रहे थे उससे पहले का एक क्वेश्चन पेपर आप सभी को देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे कैडेट। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप सभी का पहला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, जो आप सभी को पहला क्वेश्चन पे देखेंगे क। ठीक है, विश्राम पोजिशन में दोनों एड़ियों का अंतर कितना होता है, तो 12 इंच का होता है। आप लोग ऐसे ऐसे याद रखो, ठीक है, क्योंकि आप OMR में भी ट्रिक कर सकते हो। ठीक, उसके बाद पीछे मुड़ के हुक्म पर 180 डिग्री मुड़ना होता है। ठीक, तो आप लोग ये आपको अगर पता है तो आप OMR पे भी ट्रिक कर लोगे। ठीक है मेरे प्यारे कैडेट, उसके बाद राष्ट्रपति के गॉड हेतु कैडेट की संख्या, यानी कि राष्ट्रपति के गॉड ऑफ ऑनर के लिए 150 कैडेट होते हैं। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री के लिए 100 कैडेट। ठीक, जब कैडेट साधन पोजीशन में होते हैं तो पंजों में 30 अंश का कोण बनता है दोनों पंजों के बीच। तेज चाल में एक कदम 30 इंच का होता है। ठीक है मेरे प्यारे कैडेट, ऐसे छोटे छोटे आप सभी को अगर पहले से पता होंगे क्वेश्चन तो आप लोग अपना OMR पे टिक आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे कैडेट। ठीक है, बहुत अच्छे मेरे प्यारे कैडेट, आप लोग वीडियो से बने रहिएगा। ड्रिल के वसूल क्या क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि ड्रिल से पहले आप सब किन किन बातों के ध्यान रखना चाहिए, पहले ड्रेस भाई पूरी प्रेस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बूट पॉलिश होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को हेयर कटिंग होना चाहिए। ठीक है, कैप सही किया हो। ठीक है, हाथ और गले में कोई भी चीज़ ना हो। ठीक है मेरे प्यारे कैडेट, पहले आप लोग कभी भी अपनी जो ड्रिल है, अपनी जो परेड है, करने से पहले आप सभी का ड्रेस पूरी प्रेस होनी चाहिए, बूट पे पॉलिश होना चाहिए, हेयर कटिंग होना चाहिए, कैप सही से लगाना चाहिए, दाढ़ी भी सेविंग होनी चाहिए, हाथ और गले में कुछ भी ना हो। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाई आप लोग प्रश्न तीसरा में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग छोटे छोटे ऐसे मतलब क्वेश्चन को याद करते रहिएगा। ठीक है, आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है क। ठीक है, 7.62 mm राइफल का व्यास कितना होता है, 6 इंच होता है। ठीक है मेरे प्यारे कैडेट, 6 इंच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ लिया, 0.22 राइफल की लंबाई कितना होती है, 43 इंच। ठीक है, 43 इंच होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, राइफल की सफाई के बाद तेल लगाया जाता है, ऑयल। ठीक है, तेल लगाया जाता है। राइफल का कारगर रेंज 25 मीटर है। ठीक है, 0.22 का 7.62 mm की खाली मैगनीज के साथ वजन कितना होता है, 4.4 kg। ठीक है, 4.4 kg लिखना है, 44 kg मत लिख देना कोई।
ठीक है 44 kg नहीं, ठीक है। अब उसके बाद आप सभी के सामने चौथा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप लोग साथ में देखिए और पढ़ते रहिए। दुरुस्त फायरिंग पोजीशन के 3 बुनियाद वसूल, ठीक है। यानी कि आप सभी को अच्छी फायरिंग करने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो अच्छी फायरिंग करने के लिए आप सभी की सबसे पहले मजबूत पकड़ होनी चाहिए, अच्छे से गन को पकड़ना चाहिए, ठीक है। दुरुस्त शिस्त यानी कि ठीक ठहराव से, मजबूती से, अच्छे से पड़ी। उसके बाद दुरुस्त ट्रिगर दबाना, ठीक है, यानी कि पूरी शांति के साथ आप लोग ट्रिगर दबाइए, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप सभी का पांचवा क्वेश्चन क्या है, 7.62 mm SLR के हिंदी 10 हिस्से पुर्जे के नाम लिखना आप सभी को हिंदी में, तो क्या होगा, आइए आप सभी को मैं बताता हूँ। तो बट प्लेट, बट रिटर्न स्प्रिंग, बॉडी लॉन्गिंग कैच, बैक साइड सेफ्टी साइड, ठीक है। उसके बाद पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बटन ग्रुप, ठीक है, हो गए पूरे। नहीं, ये तो दूसरा पूछ लिया, यहाँ पे वहाँ पे कितना दिया है, 10 हिस्से पुर्जे के नाम से पाँच ही, यहाँ पे 7.62 mm का है ये, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हाँ क्वेश्चन आपको कट करना है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। 7.62 mm SLR के हिंदी 10 हिस्से पुर्जे के नाम, यहाँ पे पांच ही लिखा हुआ है, ठीक है। बट प्लेट, बट रिटर्न स्प्रिंग, बॉडी लॉकिंग कैच, बैक साइड सेफ्टी साइड, ठीक है। यानी कि होता है ट्रिगर हो गया, इसमें भी ट्रिगर गार्ड ही होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग 10 इसमें भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। बट प्लेट अलग हो गया, बट अलग होता है, बट प्लेट अलग होता है। उसके बाद बट स्क्रू होता है, कैच होता है, मैगजीन होता है, ऐसा आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। हर गन में यानी कि अपने अपने हिसाब से आप लोग एक बार एक गन का याद किए, उसमें से 3-4 आसानी से मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप सभी का 7.62 mm को कितने भागों में खोला जाता है, नाम लिखो, ठीक है। तो उसको खोलने का तरीका, पहला आप सभी का पिस्टन है, उस पिस्टन के हिसाब से खोल सकते हो, बैरल से खोल सकते हो, बट ग्रुप से, बॉडी ग्रुप से एंड बैटन ग्रुप से, ठीक है। यही पांच तरीके होते हैं 7.62 mm को खोलने को, ठीक है। उसके बाद आप सभी को सही है या गलत निशान करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन, 7.62 mm SLR का कारगर रेंज कितना होता है, 400 गज, बिल्कुल गलत जवाब। तो यहाँ पे आप सभी को मार्क किया हुआ पहले से है, ठीक। उसके बाद आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7.62 mm SLR में 20 गोली आती है, भरा हुआ, मतलब सही है ये, ठीक है, इज द राइट आंसर। 0.22 का कारगर रेंज 25 मीटर, बिल्कुल गलत जवाब है ये, ठीक है, ये गलत जवाब है। 7.62 lmg को 7 बड़े भागों में खोला जाता है, बिल्कुल गलत जवाब। 5.56 इंच राइफल खाली मैगनीज के साथ 5 kg का होता है, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा नाम आप सभी को लिखना है, फुल फॉर्म, ठीक है, जो कि बहुत ही हिंदी में लिखा गया है। तो क्या लिखना है, पूरा नाम क्या है लिखना है भाई, पूरा नाम लिखो, LMG लाइट मशीन गन, IGC इंटर ग्रुप कंपटीशन, इंसास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, MPI मैन पॉइंट ऑफ इंफेक्ट, TSC थल सैनिक कैंप। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सभी टोटल के टोटल हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। अगर आप लोग की इंग्लिश थोड़ा भी कमजोर है, अगर आप लोग पूरा इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो लाइट मशीन गन, ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ऐसा लिखोगे तो भी, ठीक। उसके बाद आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेशनलिटी इंटर, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय एकता क्या है, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कुछ है इस तरह से, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग अपना हिसाब से लगा लीजिएगा। राष्ट्रीय एकता से विभिन्न प्रजाति, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्रवाद के लोगों को एक साथ लाना और सौहार्दपूर्ण समूह में रहना, राष्ट्रीय एकता भारत की एक भावना है, राष्ट्रीय एकता एक भारत की भावना को व्यक्त करता है, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। एक राष्ट्र की स्थिति मजबूत और प्रतिशील बनाने में राष्ट्रीय एकता की महत्व को दर्शाता है। जब हम एक साथ होते हैं तो प्रगति
के पथ पर चलते हैं, जब हम अलग अलग होते हैं तो बिखर जाते हैं। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को, नीचे लिखे गए धार्मिक स्थल किन किन राज्यों में स्थित है? अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में भैया, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, सारनाथ वाराणसी में, ठीक है, उसके बाद कन्याकुमारी कर्नाटक में, शेरशाह दिल्ली में, ठीक है, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से किन्हीं पांच मुख्य जीवन कौशल का नाम बताइए जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व वृद्धि में सहायक हो। ठीक है, तो आप सभी का क्या, सात्विक जीवन, अग्रहवितिक जीवन, संबंधों में सुधार, घ स्वयं को देखभाल। ठीक, आपका पांचवा हो गया, क्या लिखा है, बॉम्ब टालना, भाई पांचवा समझ में नहीं आया हमको भी, आप लोग को कुछ पता हो तो कमेंट करना। ठीक है, उपयोग